हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। तो एन प्लस सीरीज की दूसरी वीडियो जिसमें हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में जानने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में नेटवर्किंग के बारे में जाना था। नेटवर्किंग एक ऐसा मेथड है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं और उनका कनेक्ट होने का पर्पज आपस में किसी डेटा को शेयर करना होता है। नेटवर्क्स कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मिक्सचर होते हैं, मतलब कि उसमें जो हमारे डिवाइसेज हैं वो आपस में किसी भी तरीके से वायर्ड या वायरलेस वे में या फिजिकली कनेक्ट तो होने जरूरी ही है, प्लस आप सॉफ्टवेयर वाइज भी उसको कंट्रोल करते हैं कि खाली फिजिकल कनेक्टिविटी या हार्डवेयर कनेक्टिविटी हो जाने से या हार्डवेयर डिवाइसेज हो जाने से ही मेरे दो डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट नहीं करने लगते हैं, मुझे कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में हमारे पास हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपने नेटवर्क्स को बहुत सारे मेथड से। तो इनमें से कुछ मेथड्स आपकी स्क्रीन पर हैं, लेकिन आप यही मत सोचिएगा कि हम अपने नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन केवल इन्हीं तरीकों से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम अपने नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो मेथड है वो है नेटवर्क डिजाइन के हिसाब से और एरिया नेटवर्क्स के हिसाब से। इसके अलावा आप नेटवर्क टोपोलॉजी की वो टोपोलॉजी कैसी यूज कर रहे हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में क्या क्या किस टाइप के प्रोटोकॉल्स वो यूज कर रहे हैं, या वायर्ड नेटवर्क्स हैं या वायरलेस नेटवर्क्स हैं, इस टाइप से आप अपने नेटवर्क्स को डिवाइड या क्लासिफाई कर सकते हैं। जब आप किसी को बताना चाहें या कोई आपसे पूछे कि किस टाइप का नेटवर्क है, तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग्स या इंपॉर्टेंट वेज है जिनसे आप नेटवर्क्स के टाइप्स बता सकते हैं। इनमें से नेटवर्क डिजाइन जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें कि क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन होती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि हम इस नेटवर्क डिजाइन के हिसाब से कैसे क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेरे पास मेथड है वो है एरिया नेटवर्क्स के हिसाब से, जिनमें से कुछ पॉपुलर नेटवर्क्स हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरिया नेटवर्क्स हमारे पास आजकल अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिनको सैंस बोला जाता है। जो हमारी स्टोरेज स्पेस होती है वो हार्ड हमारे सर्वर इंडिपेंडेंट होती है, मतलब सर्वर्स में स्टोरेज ना होके कहीं पे अलग जगह पे हमारी स्टोरेज होती है। तो ये कुछ पॉपुलर वेज है जो हम अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि एरिया नेटवर्क्स के हिसाब से भी हम अपने नेटवर्क्स को डिवाइड कर सकते हैं कुछ पॉपुलर टर्म्स, जैसे लोकल एरिया में मेट्रोपॉलिटन, कैन और वैन। इसके अलावा हम टोपोलॉजीज के हिसाब से भी नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि हम अपने नेटवर्क में किस टाइप की टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं। कुछ पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जैसे कि बस, रिंग, स्टार, मैश और हाइब्रिड, और उनके पिक्चर्स भी सामने दी हुई हैं। तो ये क्या होती हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी अपने नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आप किस टाइप के यूज कर रहे हैं। आज देखिए सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल टाइप जो आप यूज कर रहे हैं वो है ओपन स्टैंडर्ड, यानी कि TCP/IP स्टैंडर्ड, लेकिन कुछ समय पहले आप प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल जैसे कि नोवेल का IPX/SPX को यूज किया करते थे, एप्पल का एप्पल टॉक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स। तो इस तरीके से भी आप क्लासिफिकेशन अपने नेटवर्क्स की या नेटवर्क्स को डिवाइड कर सकते हैं। और जो एक और तरीका है वो है आजकल जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वायर्ड वर्सेस वायरलेस। तो वायर्ड नेटवर्क में वो ट्रेडिशनल मेथड है जिससे आप एथरनेट केबल्स को यूज करके अपने लोकल एरिया नेटवर्क्स को या नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं वायर्ड वे में। और आजकल हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी बड़ी पॉपुलर हो रही है और एक अच्छी कंपटीटर वायर्ड के लिए बनती चली जा रही है, क्योंकि बेशक से यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट्स हमारे वायर्ड नेटवर्क से अगर हम कंपेयर करें तो कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वायरलेस नेटवर्किंग दुनिया पे छा जाने वाली है। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, मेरा नेटवर्क वायर्ड है या वायरलेस है। तो इस वीडियो में हमने समझा अपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में, यानी कि हम अपने नेटवर्क्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे उसके टाइप्स बता सकते हैं कि मेरा नेटवर्क इस टाइप का है या मेरा नेटवर्क डिजाइन के हिसाब से पीयर टू पीयर नेटवर्क है या मेरा सर्वर क्लाइंट नेटवर्क है, या फिर एरिया नेटवर्क्स में जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, या टोपोलॉजी के हिसाब से कि किस तरह से वो आपस में डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि वो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं या ओपन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। और एक और मेथड जो हमने डिस्कस किया वो था वायर्ड वर्सेस वायरलेस, जिसमें हमने
हम ऐसे भी बता सकते हैं कि मेरा नेटवर्क जो है वो वायर्ड है या वायरलेस है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इन टाइप ऑफ नेटवर्क्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।